पाकिस्तान में फदायीन हमला, पुलिस वैन में धमाका, 9 की मौत, पुलिसकर्मियों पर 2 महीने में चौथा बड़ा हमला। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल, तिहाड़ जाएंगे। शराब नीति केस में सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी, कहा 15 दिन बाद जरूरत पड़ सकती है। 75 साल पुराने युद्ध अपराधों का कोरियाई लोगों को मिलेगा हर्जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने गुलाम बनाकर टॉर्चर किया, रिश्ते सुलझाने की कोशिश। नॉर्थ ईस्ट के बाद भाजपा का टारगेट साउथ की सीटें, इन राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें जीतने की कोशिश में लगी पार्टी। इमरान को अपनी हत्या का सता रहा डर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, कहा पेशी के दौरान पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराए। ब्रिटेन में भारतीयों के बीच राहुल की स्पीच, कहा मैं यहां बोल सकता हूं पर भारतीय संसद में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं। मरियम नवाज बोली इमरान खान गीदड़, गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरों की बेटियों को ढाल बना रहा, देश छोड़ दे। अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान हुए जख्मी, बच्चन शूटिंग के दौरान जख्मी हुए, हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की कर रहे थे शूटिंग, फसलियों में आई चोट। आईएमएफ की पाकिस्तान को दो टूक, मैनेजिंग डायरेक्टर बोली मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखे, पैसा हमसे लेकर अमीरों को फायदा देते हैं। कलबुर्गी में प्लास्टिक शीट और कचरे की वजह से ये दुरुपा का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, आधे घंटे के बाद उतरा। बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में आग, वीडियो 12,000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बेघर, बोले हमसे सब छिन गया। उमेश पाल हत्याकांड में 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर, उमेश पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान ढेर, एडीजी बोले अपराधी कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की बैठक, रक्षा मंत्री गोवा पहुंचे, आईएनएस विक्रमादित्य पर पीएम की भी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे जाने का दावा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली, फौज और सरकार ने चुप्पी साधी। कश्मीर में 34 साल बाद 200 फिल्मों की शूटिंग, साउथ बॉलीवुड टॉलीवुड सहित रीजनल फिल्म प्रोड्यूसर आ रहे। कनाडा चुनाव में चीनी दखल का आरोप, पीएम ट्रूडो पर जांच करने के लिए दबाव बढ़ रहा, चीन ने इसे अपमानजनक बताया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमीर संस्थान लेकिन टीचर्स की सैलरी बहुत कम, 2/3 एकेडमिक स्टाफ पर वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर, महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती। पंजाब की जेल में गैंगवार के बाद जज लॉरेंस के गुर्गों का वीडियो सामने आया, जग्गू भगवानपुरिया के साथियों की हत्या की थी। ट्रंप बोले एक दिन में यूक्रेन जंग खत्म करवा दूंगा, पार्टी के समर्थकों से कहा सत्ता में आए तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। आप बोली सीबीआई मनीष को टॉर्चर कर रही, विपक्षी नेताओं की पीएम को चिट्ठी, सिसोदिया गिरफ्तारी ने दिखाया हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए।